हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले आल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत आना, फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो जितने शख्सियों के साथी है फ्रेंड्स, किन किन का जो भत्ता मानदेय है वो बंद कब से बंद होगा और किन किन को खतरा है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा मैं। तो किन किन को जो भत्ता मानदेय है और सक्षम योजना से बाहर किया जाएगा, तो मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं जितने भी सक्षम साथी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे पहले। तो फिर मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ किन किन को कब बाहर किया जाएगा सक्षम योजना से और कब से किया जाएगा। जी हाँ, तो फिर मत कहना फ्रेंड्स मेरे को कि सर ने बताया नहीं है मेरे को, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, नंबर वन पॉइंट है, तो जी हाँ नंबर वन बात है, अगर आपने सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाई है, जी हाँ, तो अगर आप सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करते हैं तो आप सक्षम योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, एक तो ये वन पॉइंट है। जी हाँ, बहुत से सक्षम यू साथी हरियाणा के जितने भी जिन्होंने अभी तक फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाई है सक्षम यू पोर्टल पर, तो इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त, जी हाँ 31 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, 15 दिन बाकी है। जी हाँ, 15 दिन बचे हैं सक्षम यू पोर्टल पर फैमिली आई डी अपडेट करने के बाद। 15 तारीख के बाद सभी का पत्ता कटना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, सक्षम योजना से मैं साफ साफ बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा के अधिकारी से मैंने बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट बताई गई है। जी हाँ, सक्षम पोर्टल है जो आपका सक्षम यू पोर्टल है, उस पर अपनी आईडी लॉगिन करके परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी वो अपडेट कर ले जिन्होंने भी अब तक फैमिली आईडी अपडेट नहीं किया है। तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, अगर आपकी फैमिली आईडी की डिटेल सही है तो आप तभी सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट करें। अगर आपकी कोई गलत है परिवार पहचान पत्र में जानकारी, तो उसको अपडेट करने के बाद अपने जो सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर वन बात तो मैंने बता दी है, तो अगर आप सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करते हैं तो आपको सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। भविष्य में आप सक्षम कोई भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं पाएंगे। जी हाँ, कोई भी बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कोई योजना आती है आने वाले टाइम में, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, आप इस योजना से सस्पेंड कर दिए जाएंगे अगर आप सक्षम यू पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करते हैं। तो सेकंड बात बता देता हूँ, जी हाँ, जिनकी भी क्वालिफिकेशन मिसमैच होगी है, जी हाँ जिनकी भी जितने सक्षम साथी जिनकी भी क्वालिफिकेशन मिसमैच हो गया है, भत्ता अदर क्वालिफिकेशन से ले रहे हैं लेकिन परिवार पहचान पत्र में और कुछ क्वालिफिकेशन करवा रखी है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, बहुत सक्षम साथी जिनकी अभी तक उन्होंने चेक ही नहीं किया है परिवार पहचान पत्र में हमारी क्या क्वालिफिकेशन भरी गई है, ठीक है। अपने काम में लगे हुए हैं तो आपको ये काम कर लेना है, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं कि हमारा भत्ता मानदेय बंद हो गया। तो आपको बता देता हूँ, परिवार पहचान पत्र में आप कि जो क्वालिफिकेशन है जिससे आप भत्ता ले रहे हैं वही क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन पाई जाती है, जैसे कि प्लस टू से भत्ता ले रहे हैं, ग्रेजुएशन परिवार पहचान पत्र में करा रखी है, तो आप सक्षम योजना से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इसकी भी 31 अगस्त तक लास्ट डेट बताई गई है। जी हाँ, 31 अगस्त से पहले आपने ये कर लेना है काम, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम होनी चाहिए जिससे आप भत्ता ले रहे हैं, वही क्वालिफिकेशन आपके परिवार पहचान पत्र में फैमिली आईडी में होनी चाहिए। जी हाँ, तो नंबर दो बात तो मैंने बता दी है, ये बात है, ठीक है। सक्षम यू अगर आप फैमिली आईडी जैसे कि अदर क्वालिफिकेशन रखते हैं, परिवार पहचान पत्र आप अपडेट नहीं करते हैं, उसमें ग्रेजुएशन करा रखी है, भत्ता ले रहे हैं प्लस टू से, तो आप सक्षम योजना से सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, रिम्यूव कर दिए जाएंगे, डबल कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आप दोबारा से सक्षम योजना का या बेरोजगारी भत्ता का कोई भी फार्म नहीं भर पाएंगे। अब हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी है जो वो स्टार्ट कर दी गई है, इससे आपका डाटा वो कैच कर लिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें हर चीज़ में फैमिली आईडी मांगी जाती है, तो जिस कारण से आप फंस जाएंगे, आगे कोई भी फॉर्म भरेंगे उसमें आप भर नहीं पाएंगे, ठीक है। जो आपका डाटा है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सभी, इसमें आपकी जो डाटा है हरियाणा सरकार के पास आपके सभी डाटा है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा सरकार के पास आपका सभी डाटा है सक्षम योजना से रिलेटेड, फैमिली आईडी अपडेट से संबंधित। अगर आप फैमिली आईडी अपडेट कर लेते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आगे कोई फॉर्म भरे भाई, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, सक्षम योजना के अलावा आप कोई भी फॉर्म ना भरें। अगर आपने सक्षम योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो आप अदर कोई
बेरोजगारी भत्ते का समझा जाता है, तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म एक ही भरें तो आपको बता देता हूँ मैं। तो सेकंड बात तो मैंने बता दी, अगर आप अलग अलग क्वालिफिकेशन रखते हैं, परिवार पहचान पत्र में ग्रेजुएट भत्ता ले रहे हैं प्लस टू से, तो आप सक्षम योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र में आप एक ही क्वालिफिकेशन रखे, प्लस टू से भत्ता ले रहे हैं, प्लस टू ही फैमिली आईडी में, ग्रेजुएशन से भत्ता ले रहे हैं, ग्रेजुएशन ही फैमिली आईडी में, पीजीटीसी अगर भत्ता ले रहे हैं तो पीजीटी ही आपकी फैमिली आईडी में होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना का आप भत्ता मानदेय ले पाएंगे। जी हाँ, तो सेकंड बात में मैंने क्लियर कर दी। तो थर्ड बात है आपकी, बता देता हूँ मैं, जो आपकी इनकम वगैरह, परिवार पहचान सक्षम योजना में आपने जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जो इनकम दी थी, वही इनकम आपके परिवार पहचान पत्र में होनी आनी चाहिए। जी हाँ, वही इनकम आपकी परिवार पहचान पत्र में होनी चाहिए, जो भी आपने इनकम भरी थी। आपको पता ही होगा सक्षम युवा पोर्टल पर जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, तो उसमें आपको दिखाई जाएगी कि कितनी आपने इनकम भरी थी, वही इनकम आपकी परिवार पहचान पत्र में होनी चाहिए, ठीक है। अगर और उसमें फोर नंबर बात बता देता हूँ मैं, परिवार पहचान पत्र में अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। जी हाँ, अनएम्प्लॉयड ही रखना है। जी हाँ, जितने सक्षम में साथी वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, अनएम्प्लॉयड ही रख लेना है। अगर आप और कुछ डाल लेते हैं, स्टूडेंट है या अदर वगैरह, लेबर वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर या वगैरह कुछ भी इधर उधर डालते हैं, तो आपका जो भत्ता मानदेय बंद कर दिया जाएगा, आप सक्षम योजना में फंस जाएंगे फैमिली आईडी के डिस्कस के कारण। तो तभी मैं बोल रहा हूँ आप परिवार पहचान पत्र में अनएम्प्लॉयड ही रखें। अगर आप घर के मुखिया हो या कुछ भी हो, आपने अनएम्प्लॉयड ही रखना है। अगर आप सक्षम योजना का अलाउंस ले रहे हैं, तो मैं साफ साफ, आप बेरोजगार हो ना, तभी आप भत्ता ले रहे हो ना सक्षम योजना का, तो आपने अनएम्प्लॉयड ही रखना है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो ना, अगर आप उसमें स्टूडेंट कर रखा है या लेबर वगैरह कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्कर कर रखा है, तो उसमें आप फंस जाएंगे, आपका जो भत्ता मानदेय बंद कर दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से, ठीक है। नए नए नोटिस आते रहे हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आएंगे, ठीक है। तो 31 अगस्त के बाद हरियाणा सरकार है कुछ करने जा रही है, ठीक है। तो जो भी युवा है बेवजह जो भत्ता मानदेय ले रहा है, उनको पकड़ा जाएगा फैमिली आईडी के कारण, ठीक है। और पकड़े भी गए हैं बहुत, तो मैं आपको बता देता हूँ, अनएम्प्लॉयड ही रखना परिवार पहचान पत्र में। तो ये थी फ्रेंड्स, तो एक और मेन पॉइंट बता देता हूँ, अगर घर में अगर आपका जो भी कोई है सक्षम योजना का, जो भत्ता मानदेय नहीं प्राप्त कर रहा है, जिसने भी सक्षम योजना का नहीं फार्म भरा है, आप उसका जो इनकम है वो दिखा सकते हैं परिवार पहचान पत्र में। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपने अपनी इनकम नहीं दिखानी है, ना ही आपको मुखिया होना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सक्षम साथी हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, तो आपने अनएम्प्लॉयड रखना है, ना ही मुखिया होना है, और आपका जो सक्षम योजना का जो आप भत्ता ले रहे हैं, तो आपने अनएम्प्लॉयड ही रखना है परिवार पहचान पत्र में। तो फ्रेंड्स, ये थे जो मेन मेन पॉइंट जिससे आपका जो भत्ता मानदेय है बंद किया जा सकता है, आप किन किन से कैसे कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई है। तो आप परिवार पहचान पत्र में सही जानकारी भरें, जिससे जो आप सक्षम योजना में आप जो भत्ता मानदेय प्राप्त कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, और 6 पॉइंट मैंने बता देता हूँ आपके, जो ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन का नया ऑप्शन आया है। जी हाँ, जो ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन का नया ऑप्शन आया है सक्षम युवा पोर्टल पर, तो उसमें आपने जितने भी रेगुलर के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने भी रेगुलर से कर रखी है कोई भी डिग्री, BA, MA, PGT वगैरह जो भी, उसमें सभी क्वालिफिकेशन दी गई हैं, तो रेगुलर रेगुलर वाले ही अपडेट करें। ओपन डिस्टेंस प्राइवेट कैंडिडेट है, वो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड ना करें। जी हाँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो भत्ता मानदेय बंद किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जितने भी रेगुलर वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने भी रेगुलर से कर रखी है पहले से, तो वो अपनी सक्षम युवा पोर्टल पर अपनी ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, उसमें रेगुलर वाले ही अपडेट करें। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरी मेन मेन बातें मैंने बता दी हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।